Call is now being recorded. कॉल रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है बगल जो है अलर्ट जाने वाला है। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन आपको 100% मिलने वाला है। हेलो, अब देखिए कोई वॉल्यूम नहीं। तो दोस्तों, अगर आप Realme या फिर Oppo का डिवाइस यूज करते हैं तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी। जनरली होता क्या है कि जब भी कोई आपके पास कॉल करता है और अगर बगल वाला ना सामने वाला अगर कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिससे आपको लगता है कि हाँ मुझे उसकी कॉल रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में जैसे ही आप टैप करते हैं तो भाई आपकी तो कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड होगी जरूर, लेकिन बगल वाले को ये अलर्ट मिल जाएगा कि भाई सामने वाला आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। तो ऐसे में जो सामने वाला कैंडिडेट है वो यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट हो जाता है कि हाँ भाई मेरी कॉल जो है रिकॉर्ड हो रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो बगल वाले को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे जो है आप यहाँ पे कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन बगल वाले को पता नहीं चलेगा, मतलब आप अपने जेन्युइनली तरीके से जो है यहाँ पे कॉल भी रिकॉर्ड कर पाएंगे और बगल वाले को पता भी नहीं चलने वाला है। तो काफी अच्छी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और अगर आप यहाँ पे Realme या फिर Oppo का डिवाइस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी 100% वाला बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ पे जो कॉल कर लिया है उस नंबर पे। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, फिलहाल मैंने म्यूट किया हुआ है ताकि मेरी आवाज जाए ना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा इस कॉल को तो वहां पे अलर्ट मिल जाएगा। मान लीजिए दो जो है आदमी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में भाई इस वाले पर्सन को कॉल रिकॉर्ड करनी है उस आदमी की, लेकिन भाई होगा क्या एक्चुअली में, जब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड का सिस्टम ऑन करूंगा तो वहां पे भाई अलर्ट मिल जाएगा उस वाले फोन में कि जो है कहीं ना कहीं जो है आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। ऐसे में भाई वो वाला जो इंसान है बिल्कुल यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा। बट फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे अगर चलता हूँ आपको देखना, ठीक है, और आप इस चीज को देखिएगा। देखिए मैंने इसकी आवाज तेज कर दी और इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों, कुल मिला के आपने देख लिया, ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है इस Realme एंड Oppo के फोन्स में। मतलब कॉल रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है, आप अगर रिकॉर्ड करते हैं तो भाई बगल जो है अलर्ट जाने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे ये प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन आपको 100% मिलने वाला है। तो चलिए क्या करना है इसके लिए मैं बता देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो है एग्जांपल भी दिखा दूंगा, जिस तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा वो चीजें, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, फिलहाल से आपको करना क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर लेना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इस एपीके का लिंक मिल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, इस एपीके को जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इस एपीके को डाउनलोड करना है, 200 KB के आसपास की है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद देखिए जस्ट इस तरीके से आएगा। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे इसको जस्ट ओपन कर देना, ठीक है, ये इस तरीके से। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस सेटिंग को ओपन कर लेंगे, जैसे ही ये ऐप ओपन हो जाएगा, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रीफर्ड इंजन का, जिसमें आपको लिखा मिलता है स्पीच सर्विसेज बाय गूगल। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जो सिंपली टैप करना है, ठीक है। इस सिंपली ऑप्शन में जैसे ही टैप करेंगे तो यहां पे आपको इस ऑप्शन को जो चेंज करना है TTS LEXX पे जो है सिंपली टैप कर देना है, और यहां से इसको एक अलर्ट आएगा, तो इसको आपको ओके कर देना, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, इतना काम करने के बाद सिंपल आपको बैक ले लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप एपीके को अनइंस्टॉल कर लें, उसके बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको इस फोन वाले ऑप्शन में जो है लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आई वाले बटन पे टैप करना है। जैसे ही आप फोन के एप्लीकेशन में आ जाए तो उसके बाद आपको स्टोरेज यूजेज पे आना है। उसके बाद आपको क्लियर डेटा पे जो है सिंपली टैप करके इसके डेटा को जो है पूरा क्लियर कर देना है, इसको बैक ले लेना है, और एक बार इसको जो है फोर्स स्टॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से। फोर्स स्टॉप करने के बाद इस एपीके को यहां से हटा देना है। बस अब आपका काम ओके हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा कि किसी भी डिवाइस पे कॉल कर लेना है। अब वो जो प्रॉब्लम आ रहा था कॉल रिकॉर्डिंग वाला, वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इस चीज को करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमने कॉल को एंगेज कर लिया है। ऐसे में अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि जो हमने ट्रिक यूज करी है वो यहाँ पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए, फिलहाल जो है मैंने यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है सब चीज कंप्लीट कर लिया, अभी इसको म्यूट किया हुआ है। तो चलिए अब इसको अनम्यूट करके जो है मैं यहाँ पे आपको सुनाने वाला हूँ, ठीक है। ये हमने स्पीकर पर डाला हुआ है ये वाला डिवाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं जो है इसको अनम्यूट कर लेता हूँ और आप सुनिएगा। तो देख सकते हैं आप,
तो देख सकते हैं आपने ये देखा कि मतलब यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड किया अभी कोई भी आवाज नहीं इस तरफ सुनाई थी, ठीक है। और आप ये भी जानते हो जैसे हम इसको म्यूट करते थे तो यहाँ पे ये अनहाईलाइट हो जाता था, बाकी अभी हमने यहाँ पे अनम्यूट किया है तब भी ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाईलाइट है, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर, क्योंकि मैंने माइक इसलिए ऑफ किया ना, वो आवाज मेरी वापस आएगी, ठीक है। और देख सकते हैं मैं अभी इसको हटा के जो है वापस आपको बताने वाला हूँ। देखिए आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो। अब देखिए कोई वॉल्यूम नहीं, तो सिंपली सिंपली आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा ट्रिक बताया और कैसे आपको यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया पूरी सेटिंग्स, मैंने आपको बता दी किस तरीके से जो यहाँ पे यूज करना है, किस तरीके से जो यहाँ पे आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को जो यहाँ पे इंगेज करना है, ठीक है। और बगल वाले को ऐसे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि आपको बताइए सेटिंग्स आ जाती है और उससे थोड़ा इरिटेशन हो जाती है भाई, बगल वाले को भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं भाई पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करी, तो होपली इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई होगी। और कहीं ना कहीं भाई एज प्राइवेसी जो है यहाँ पे आपको इस फीचर को अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है जब आपको जरूरत होती है, नीड होती है, ठीक है। ऐसे में कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप सामने की करते हैं तो भाई बगल वाला तो अलर्ट होते ही होता है, ऐसे में पता भी चल जाता है बगल वाले को। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस कर ली है, होपली आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।